हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हिंदी न्यूज चैनल्स ने अपने स्टूडियो का लुक किस प्रकार रखा था, कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे थे, उनका स्क्रीन लुक कैसा था। इस सारी बातें आज के इस वीडियो में होंगी। हम आपको सारे हिंदी न्यूज चैनल के स्टूडियो के लुक के बारे में आपको बताएंगे कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, उनका लुक किस प्रकार था। ये सारी बातें आपको आज के इस वीडियो में पता चलेंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया व्यूअर्स, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें, आपके लिए लाते रहें। तो प्लीज व्यूअर्स हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम आपको बताते हैं कि हिंदी न्यूज चैनल्स ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान कौन सी टेक्नोलॉजी और अपने स्टूडियो का लुक किस प्रकार रखा था। तो चलिए डिकोड करते हैं हिंदी न्यूज चैनल्स के स्टूडियो का लुक को। व्यूअर्स, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हिंदी न्यूज चैनल्स ने किस प्रकार इसकी कवरेज की, उनका स्टूडियो लुक कैसा था, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दो टेक्नोलॉजी के बारे में हम बता देते हैं जिसका इस्तेमाल हिंदी न्यूज चैनल में सबसे ज्यादा किया गया। पहली टेक्नोलॉजी है स्टाइप कैमरा और दूसरा है इनवर्स, या जिसे हम की ग्राफिक्स कहते हैं। स्टाइप कैमरा और की ग्राफिक्स के डिटेल के लिए हम अलग से वीडियो बता देंगे, यहाँ पर हम सिंपल सा ये बता देते हैं कि स्टाइप कैमरे की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी क्या होती है कि एक रियल स्टूडियो के अंदर की ग्राफिक्स होता है। की ग्राफिक्स का मतलब होता है कि आप सिंपल सा इस तरह से समझ लीजिए कि यदि आप अपने किसी फोटो या वीडियो के ऊपर कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई इमेज या टेक्स्ट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है, तो वो क्या होता है, की हो जाता है। और इस टाइप कैमरे में क्या होता है कि रियल स्टूडियो के अंदर कि एक ग्राफिक्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ग्राफिक्स आ जाता है और इस ग्राफिक्स के साथ मूवमेंट होती है। स्टाइप कैमरा इस ग्राफिक्स को ट्रैक करता है, सेंसर के थ्रू ट्रैक करता है, इसमें सेंसर लगे होते हैं और यह ग्राफिक्स को जूम इन जूम आउट यानी कि स्टूडियो के साथ जहां जहां एंकर वॉक कर रहा है, जहां जहां एंकर जाना चाहता है स्टूडियो में, जिस पोजीशन पर पहुंचता है वहां पे जूम इन जूम आउट इस ग्राफिक्स को कर सकता है। तो ये स्टाइप कैमरे की टेक्नोलॉजी इस रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हिंदी न्यूज चैनल ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल की। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी इसी से जुड़ी हुई है जिसको इनवर्स या की ग्राफिक्स कहते हैं। इसमें सिंपल सा क्या होता है, रियल स्टूडियो होता है, रियल स्टूडियो के ऊपर ग्राफिक्स को ओवरले कर दिया था, सेम उसी प्रकार जैसे कि स्टाइप कैमरे में होता है। बस अंतर इतना होता है कि इसमें ग्राफिक्स क्या था मूवमेंट पे नहीं होता, यानी कि एनिमेशन आपको ग्राफिक्स के दिखेंगे लेकिन जो जूम इन जूम आउट है, यानी एंकर जूम इन जूम आउट हो जाएगा लेकिन उसके साथ जो ग्राफिक्स होगा वो जूम इन जूम आउट नहीं होता है। तो सिंपल सा ये दो अंतर आप समझ लीजिए कि स्टाइप कैमरे में ग्राफिक्स के साथ मूवमेंट्स हो जाती हैं, पूरा स्टूडियो आपको बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, बड़ा आपको देखेंगे कि इसमें टैंक चलने सारे कुछ दिखेंगे और मूवमेंट के साथ आप यहाँ पर पूरा पैनिंग के साथ पूरा स्टूडियो दिखता है। और जो स्टाइप कैमरे में के अलावा हम बात करें कि ग्राफिक्स है उसमें क्या होता है, सिर्फ एंकर स्टिल एक ही जगह पर रहता है या एंकर वॉक कर सकता है लेफ्ट राइट, लेकिन ग्राफिक्स में जूमिंग नहीं होते। ये दो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हिंदी न्यूज चैनल ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम आज तक न्यूज चैनल के स्टूडियो को आपको दिखाते हैं। यह आज तक का मेन स्टूडियो है जहां पर स्टाइप कैमरे की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यहां पर जो ग्राफिक्स आप देख रहे होंगे वो ग्राफिक्स पूरे स्टूडियो के मूवमेंट के साथ, यानी कि जिप मूवमेंट के साथ ये ग्राफिक्स अटैच होते हैं। हमने आपको बताया वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। आप देख रहे होंगे कि एंकर जिधर जिधर जा रहा है या जिस पोजीशन को दिखाना चाहता है वहां पे ये ग्राफिक्स जूम इन और जूम आउट हो जाता है, यानी कि ग्राफिक्स के साथ इसमें मूवमेंट है। तो ये स्टूडियो आज तक ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया अपने रशिया और यूक्रेन वॉर की कवरेज के दौरान। इसके अलावा आज तक ने कई और स्टूडियो भी बनाए। एक स्टूडियो को आज तक ने नाम दिया वॉर रूम, जिसमें क्या किया गया, चारों तरफ प्लाज्मा लगा दिए गए, वर्टिकल प्लाज्मा लगा दिए गए, और उसमें रशिया और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड इमेजेस के लूप्स थे और एक मेन प्लाज्मा, एक बड़ा सा प्लाज्मा स्टूडियो के बीच में प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया और उसमें ग्राफिक्स का इनपुट यानी कि ग्राफिक्स उसमें आ जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्राफिक्स आ जाता है या कोई मैप आ जाता है या कोई एक्सक्लूसिव विजुअल आ जाता है जिसको वहां पे गेस्ट
या एंकर एक्सप्लेन करते हैं और इस प्लाज्मा को कवर करने के लिए टॉप एंगल से एक कैमरा लगा दिया गया, यानी कि एक कैमरा भी लगा दिया गया और एक यहाँ पे जिप भी प्लेस कर देगी, यानी कि सिंपल से इस प्लाज्मा को कवर करने के लिए यहाँ पे एक कैमरा यहाँ पे लगा हुआ था। इसके अलावा आज तक ने अपने नॉर्मल स्टूडियो को भी यूज किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया वो दो स्टूडियो को यूज किया, एक स्टाइप वाला स्टूडियो और दूसरा वॉर रूम वाला स्टूडियो। अब आपको दिखाते हैं जी न्यूज का स्टूडियो। जी न्यूज ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिस स्टूडियो को उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वो था स्टाइप कैमरा बेस्ड स्टूडियो, यानी कि स्टाइप कैमरा लगा हुआ था स्टूडियो में। और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टैंक चल रहे हैं, यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, पूरा वॉर का सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि मूवमेंट के साथ, यानी कि जूम इन जूम आउट हो रहा है, लेफ्ट और राइट पैन हो रहा है, उसके साथ ग्राफिक्स भी मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टाइप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जी न्यूज ने इसी स्टूडियो में लगे हुए वीडियो वॉल से एक और फ्रेम बनाया और वहां पर स्टाइप ग्राफिक्स को हटाकर इनवर्स ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एंकर हल्का सा, क्योंकि जूम इन हो जाता है स्टाइप ग्राफिक्स में, एंकर थोड़ा जूम इन नहीं हो पाता है और उतनी क्लियरिटी नहीं आती है क्योंकि उतना भव्य वो नहीं दिखता है। इसके लिए क्या होता है, एक अलग से यहाँ पर फ्रेम बना दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे कि ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और पहले वाले ग्राफिक्स में अंतर इतना है कि वहां पर जूम इन और जूम आउट लेफ्ट और राइट पैन हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ एंकर मूव कर सकता है, लेकिन जो ग्राफिक्स में एनिमेशन है वो एज इट इज वैसे के वैसे रहते हैं। ग्राफिक्स में आप कोई भी मूवमेंट नहीं देखेंगे, एनिमेशन देखेंगे, मूवमेंट का मतलब है लेफ्ट और राइट पैन नहीं हो रहा है। तो ये जी न्यूज ने अपना दूसरे एक स्टूडियो की, इसी स्टूडियो का एक फ्रेम लिया जिससे वो आप तक खबरें पहुंचा रहे थे। इसके अलावा जी न्यूज ने एक वॉर रूम क्रिएट किया जो कि ग्राफिक से पूरा सीन क्रिएट था। यहाँ पर क्रॉप करके एक छोटा सा रेक्टेंगल टाइप का आप यहाँ पर विजुअल देख रहे होंगे, यहाँ पर विंडो बना दी गई, इसी में एंकर, इसी में गेस्ट या फिर विजुअल को स्विच कर दिया गया, यानी कि क्रॉप करके वहां पर उसको लगा दिया गया। और नीचे की तरफ आप देखेंगे कि पॉइंटर चल रहे जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जी न्यूज ने इसके अलावा एक और स्टूडियो तैयार कर रखा था जहां पर एंकर किसी मैप या कोई भी विजुअल को क्लोजली एक्सप्लेन कर सकते थे। ये स्टैंडिंग पोजीशन पर था, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड पे एक बड़ी सी एलईडी वॉल है और पीछे की तरफ छोटी सी एलईडी वॉल जिसमें एनिमेशन चल रहा है, और जो लेफ्ट हैंड जो बड़ी एलईडी वॉल है यहाँ पर ग्राफिक्स या कोई विजुअल को क्लोजली एक्सप्लेन करके व्यूअर्स तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी। अब आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज का स्टूडियो। एबीपी न्यूज ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान स्टूडियो में कोई खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें अपने मेन स्टूडियो को ही रखा और वहां पर सिर्फ इनवर्स या की ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया। जो आप यहां पर देख रहे हैं ये इनवर्स और की ग्राफिक्स है, क्योंकि ग्राफिक्स में कोई भी मूवमेंट्स नहीं है, एनिमेशंस हैं ग्राफिक्स में। मूवमेंट का मतलब वो एंकर के साथ जूम इन और जूम आउट नहीं हो रहे, लेफ्ट और राइट पैन नहीं हो रहे, एक फिक्स पोजिशन पे आके ग्राफिक्स रुके हुए हैं और वहां पर सिर्फ ग्राफिक्स में एनिमेशन और उसमें जो पॉइंटर्स वो यहाँ पे चल रहे हैं। दूसरा जो एबीपी ने इस्तेमाल किया वो इसी स्टूडियो में इनवर्स ग्राफिक्स को हटाकर एलईडी वॉल के साथ फ्रेम बना दिया गया और इस एलईडी वॉल में किसी मैप या कोई ब्रेकिंग न्यूज या किसी विजुअल को एक्सप्लेन किया गया। एबीपी न्यूज द्वारा अपने स्टूडियो में कोई खास बदलाव नहीं किया गया, वो अपने रेगुलर स्टूडियो पर रहे और इनवर्स और की ग्राफिक्स से ही व्यूअर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहे और ग्राउंड रिपोर्टिंग और विजुअल को स्क्रीन पर ज्यादा रखा। अब आपको दिखाते हैं टाइम्स नाउ के हिंदी चैनल टाइम्स नाउ नव भारत के स्टूडियो को। टाइम्स नाउ नव भारत ने भी अपने स्टूडियो में कोई खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, वो भी अपने रेगुलर स्टूडियो पर रहे और यहाँ पर जो ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया वो किया गया इनवर्स और की ग्राफिक्स का। तो जो आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं ये इनवर्स और की ग्राफिक्स है और यहाँ भी ग्राफिक्स में सिर्फ एनिमेशन है, जूम इन जूम आउट और लेफ्ट और राइट पैन नहीं हो रहा है, यानी कि ग्राफिक्स में मूवमेंट्स नहीं है, सिर्फ एनिमेशन ग्राफिक्स में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो टाइम्स नाउ ने अपने स्क्रीन को बड़े सिंपल सा रखा।
अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत के स्टूडियो की। रिपब्लिक भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान अपने स्टूडियो को बड़ा सिंपल सा रखा, वो भी अपने रेगुलर स्टूडियो पर रहे और सिर्फ उनके द्वारा यहाँ पर इनवर्स ऑफ की ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया। एंकर को बहुत क्लोज लाके यहाँ पर की ग्राफिक का इस्तेमाल आप यहाँ पर देख रहे होंगे। कोई भी ग्राफिक्स में यहाँ भी आपको मूवमेंट्स नहीं दिख रही होंगी, सिर्फ ग्राफिक्स में आपको एनिमेशन दिख रहा होगा। इसके अलावा रिपब्लिक भारत ने भी जी न्यूज की तरह ही एक ग्राफिक्स का पूरा एक सेटअप तैयार किया, जिसमें एक तरफ क्रॉप करके यहाँ पर आप देखेंगे राइट की तरफ क्रॉप करके एक रेक्टेंगल विंडो बना दी गई है और इस पे एंकर विजुअल या गेस्ट के कैमरे को स्विच किया जा रहा है और नीचे की तरफ आप देखेंगे ग्राफिक्स के पॉइंटर यानी कि इन्फो पॉइंटर इन्फॉर्मेशन के पॉइंटर्स आप व्यूवर्स तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये रिपब्लिक भारत का दूसरा चेंज था अपने स्क्रीन पे। पहला चेंज उन्होंने ग्राफिक्स के साथ लिया स्टूडियो में इनवर्स ग्राफिक्स के साथ और दूसरा ये वाला आप जो अभी देख रहे हैं। इसके अलावा रिपब्लिक भारत ने बड़ी वीडियो वॉल के साथ एक एंकर को रखा, जहां पर वो मैप विजुअल या कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को एक्सप्लेन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन वेरिएंट्स, ये तीन चेंजेस रिपब्लिक भारत ने अपने स्क्रीन पे रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान चेंज किए थे। अब बात करते हैं इंडिया टीवी न्यूज चैनल की। इंडिया टीवी न्यूज चैनल ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान सबसे ज्यादा स्टाइप बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, यानी कि स्टाइप बेस्ड स्टूडियो को सबसे ज्यादा दिखाया। तो जो आप ये स्टूडियो देख रहे हैं ये इंडिया टीवी का मेन स्टूडियो है, यहाँ पर सारे गेस्ट यहाँ पे स्टैंडिंग पोजिशन पर रखे गए हैं, एंकर स्टैंडिंग पोजिशन पर है, यहाँ पे पीछे एलईडी वॉल लगी हुई है और सामने की तरफ से पूरे स्टाइप ग्राफिक्स है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफिक्स में जूम इन जूम आउट हो रहा है, लेफ्ट और राइट पैन हो रहा है और ग्राफिक्स में एनिमेशन भी है। इसका मतलब यहाँ पर इस टाइप ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको दिखाते हैं जी ग्रुप के एक और चैनल जी हिंदुस्तान के स्टूडियो को। जी हिंदुस्तान ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान अपने स्टूडियो में कुछ खास बदलाव नहीं किया, वो अपने रेगुलर स्टूडियो पर रहे, जिप मूवमेंट को अधिकतर रखा और जिप मूवमेंट के साथ ही यहाँ पर की ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। आप जब जी हिंदुस्तान के स्क्रीन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्राफिक्स में एनिमेशन है लेकिन ग्राफिक्स जूम इन और जूम आउट नहीं हो रहा जैसे कि जी न्यूज में हो रहा था। तो यहाँ पर स्टाइप ग्राफिक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया है। इसके अलावा इसी स्टूडियो में लगी हुई बड़ी एलईडी वॉल के साथ एंकर का एक फ्रेम बना दिया जाता है और उस बड़ी एलईडी वॉल में मैप ब्रेकिंग या किसी और ग्राफिक्स को एंकर एक्सप्लेन करते हुए आपको दिखाई देगा। बात करते हैं एनडीटीवी इंडिया की। एनडीटीवी इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर की कवरेज के लिए अपने स्क्रीन और अपने स्टूडियो में कोई भी बदलाव नहीं किया, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से न्यूज को प्रेजेंट करते रहे। आप यहाँ पर देखेंगे एंकर सेटिंग पोजीशन पे है और एंकर के पीछे लगे प्लाज्मा में रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड इमेजेस का एक रूप चल रहा है। तो एनडीटीवी इंडिया की स्क्रीन पे कोई भी बदलाव आपको रशिया यूक्रेन वॉर की कवरेज के दौरान नहीं दिखाई देगा। अब आपको दिखाते हैं टीवी 9 ग्रुप के हिंदी न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो को। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान टीवी 9 भारतवर्ष सबसे ज्यादा एग्रेसिव मोड पर रहा क्योंकि इसके रिपोर्टर सबसे पहले यूक्रेन में मौजूद थे तो ये ग्राउंड पर अधिक रहा। लेकिन जब हम स्टूडियो की बात करें तो स्टूडियो आप देखेंगे कि इनने अपने रेगुलर स्टूडियो का इस्तेमाल किया, इनका स्टूडियो काफी बड़ा है और जो ग्राफिक्स यूज किए गए वो किए गए इनवर्स यानी कि की ग्राफिक्स। आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी ग्राफिक्स में एनिमेशन है, मूवमेंट नहीं है, लेफ्ट और राइट नहीं है, कैमरा एक जगह स्टैटिक है, जबकि की ग्राफिक्स और इनवर्स ग्राफिक्स यहाँ पे चल रहे हैं। इनके इनवर्स और की ग्राफिक्स में एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इनके की ग्राफिक्स में ब्रेकिंग न्यूज को ज्यादा रखा गया, यानी कि जो भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी उसको ये इनवर्स ग्राफिक्स से व्यूवर्स तक पहुंचा रहे थे। तो इनवर्स ग्राफिक्स में ब्रेकिंग को ज्यादा रखा गया। इसके अलावा इसी स्टूडियो में ग्राफिक्स को हटाकर जो सामने फ्रंट में लगी हुई एलईडी वॉल है वहां पर ग्राफिक्स, वहां पर मैप और वहां पर किसी भी विजुअल को एक्सप्लेन किया गया। अब आपको दिखाते हैं न्यूज 18 इंडिया का स्टूडियो। न्यूज 18 इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर कवरेज के दौरान सबसे ज्यादा स्टाइप ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया। आप देख रहे हैं ये न्यूज 18 इंडिया का मेन स्टूडियो है और यहाँ पर स्टाइप ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्राफिक्स में पैनिंग है, लेफ्ट और राइट पैन हो रहा है, मूवमेंट्स हैं, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टाइप ग्राफिक का इस्तेमाल किया गया। स्टाइप ग्राफिक्स में अलग अलग वेरिएंट यानी कि अलग अलग डिजाइन तैयार की गई, कहीं पर वॉर रूम क्रिएट किया गया, कहीं पर आप वॉर का एक सीन क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ न्यूज 18 इंडिया में रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान वो था स्टाइप ग्राफिक्स। इसके अलावा इनवर्स यानी कि की ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्राफिक्स में एनिमेशन है, ग्राफिक्स में पॉइंटर्स आ रहे हैं, लेकिन कोई कैमरे का यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, एंकर एज के स्टैटिक है। इसके अलावा न्यूज 18 इंडिया की जो न्यूज रूम है वहां पर भी बड़ा सा प्लाज्मा लगा दिया गया, जिसमें एंकर किसी भी मैप, ग्राफिक्स या किसी विजुअल को आपको डिस्क्राइब करते हुए नजर आएंगे। सो व्यूअर्स, आपने समझा रशिया यूक्रेन वॉर कवरेज के दौरान हिंदी न्यूज चैनल के स्टूडियो और स्क्रीन लुक कैसा था। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। सो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। Thanks for watching.